वजह से जरा थोड़ी खामोशी खामोशी ना। आपने बाजार देखा, गांव के इसी तरीके के बाजार होते हैं, आप देखिए। आज मैं फिर आप लोगों की खिदमत में एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज दिखाऊंगा कांजू का बाजार, तो चलते हैं। अभी मैं रेडी हो गया हूँ बिल्कुल, बैग वैग भी पहन लिया और ये जैकेट वगैरह सब कुछ पहन लिया नहा धो के। तो आज मैं कांजू के बाजार जा रहा हूँ, तो चलो आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो गाइस अभी मैं घर से बाहर निकल गया हूँ, तो अभी हम चलते हैं बाजार की तरफ। तो अभी मैं यहाँ से गाड़ी पर चढ़ूँगा, तो ये रोड है आप देख सकते हैं। तो अभी मैं गाड़ी पर चढ़ के तो आगे फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। सही है, ओके बाय। देखिए ये रोड है। तो एवरीवन, तो मैं गाड़ी से उतर गया, अभी मैं चल रहा हूँ रोड पे। तो अब मैं कांजू की बाजार की तरफ जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक हो? क्या हाल है? और सुनाओ, खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर है। आपकी मुर्गी की दुकान है? उन लोगों से मिलवाते हैं मुर्गी वाले से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? खैर है। आपका नाम? अवेश। अवेश, अच्छा ये मुर्गियाँ क्या हिसाब दे रहे हो आप? मुर्गी का 1200 रेट है। अच्छा, हमारा इमरान खान का हुकूमत आया ना, इंशाल्लाह 75% या 30% इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद मुर्गी का कीमत 450 आ रहा। अच्छा, तो गाइज ये मुर्गी का रेट अभी इन लोगों ने बताया, तो अभी जो है ना मैं आप लोगों से, अभी मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तो इन लोगों से दोबारा जो है ना बात करूँगा। सही है, ओके। मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तो अभी मुर्गी की दुकान में गया, तो अभी आप देख सकते हो इस तरह ये पागल है जो है ना चीख रहा है। तो आप देख सकते हैं पकौड़े वाले भी आगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक हो? तो ये पकौड़े क्या हिसाब देते हो आप? समोसे और पकौड़े की शॉप है इनकी, छोटी सी समोसे और पकौड़े बनाते हैं, इंसाफ पकौड़ा के नाम से। तो और समोसा कितने का? 20 रुपये। अच्छा 20 रुपये, अच्छा। तो गाइस अभी मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तो आप देखिए ये पानी पूरी वाले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? अस्सलाम, कितने की है पानी पूरी? ये 100 का, 150। अच्छा 100 और 150 का। आप गाइस देखिए ये पानी पूरी यहाँ की, देखिए ये बड़ी ज़बरदस्त पानी पूरी है, देखिए। ये सोने वाले ये कितने की? ये जी 100 का भी है, 150 का। अच्छा, भी है, 100 और 150 के मुताबिक लेते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कहाँ रहे? सलाम। तो गाइस ये पानी पूरी वाले थे, तो इन्होंने मुझे कहा कि आप खाइए पानी पूरी, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है यार, तो अभी मैं ये जलेबी वाले के पास है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हिसाब है जलेबी? जलेबी 450 रुपये किलो है। 450 रुपये किलो, अच्छा। तो ये मिक्स करके भी देते हो दूध में? मिक्स 100 रुपये प्लेट है। अच्छा 100 रुपये प्लेट है, अच्छा। सही है, सही। तो ये दूध में मिला के जो है ना देते हैं, ये नाम है देखें इनका, इंसाफ दूध जलेबी। ये देखिए इंसाफ दूध जलेबी भी है, ये भी बड़ी प्यारी जो है ना शॉप है। तो ये कांजू चौक के साथ ही है तकरीबन। तो आपकी बिरयानी की दुकान है? चिकन बिरयानी है, सादा बिरयानी है। अच्छा कितने की प्लेट चिकन बिरयानी है हमारे पास? मान लीजिए 250 रुपये प्लेट है, 200 है जी जी। सादा जो है वो 150 है, 100 है, 80 है। अच्छा, अच्छा। हाँ माशाल्लाह जी जी। तो गाइज ये इनकी जो है ना बिरयानी की दुकान है, और ये जो है ना ये बिन आलम के नाम से, बिन आलम बिरयानी एंड हलीम। तो शॉप ये कांजू चौक रोड पर है मेन जो है ना, जैसे आप आएंगे।
गाइस आपने बिरयानी भी खाई और जलेबी भी खाई? जलेबी बिरयानी दोनों खाई, दोनों खाई। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। अच्छा अच्छा जबरदस्त है। गाइस ये जलेबी की दुकान से जो है मैं निकला अभी, इस तरफ जो है ना देखते हैं क्या है। इस तरफ शॉपे सारी बंद है, ये नाई की शॉप खुली हुई है और ये इसकी, तो बंद है आज दुकानें सारी बंद है। दुकानें बंद है आज। अच्छा अच्छा छुट्टी है। अच्छा छुट्टी है इलेक्शन की वजह से बंद है। अच्छा अच्छा इलेक्शन की वजह से। तो गाइस ये नस्वार वाले देखिए आप, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये जो है ना आज इलेक्शन की वजह से शॉपें बंद है, इस तरफ चलते हैं नीचे की तरफ, शायद इधर खुली हुई है। तो ये जो ये होटल है और ये जो है ना मोबाइल शॉप है, ये सारी लेन से मोबाइल शॉप है, ये सारी मोबाइल शॉप। आगे तो गली बंद है, आगे गली बंद है। तो गाइस ये ड्राई फ्रूट वाली दुकान पर भी मैं जा रहा हूँ, तो इनसे भी रेट पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हूँ। ये मूंगफली क्या हिसाब है? मूंगफली 550 रुपये किलो, 600 680। और ये चवारे 450। अच्छा 450। तो गाइस ये ड्राई फ्रूट की दुकान है, देखिए आप बड़ी प्यारी दुकान है। देखिए माशाल्लाह, इस तरफ देखिए दाल से है, ये मूंगफली है छिली हुई, ये काजू है और ये बादाम है, और ये देखिए ये अंजीर है, अंजीर, ये किशमिश। ये वदान ड्राई फ्रूट के नाम से है ये दुकान, आप देख सकते कितनी प्यारी दुकान है। ये कांजू मेन चौक जो है ना कांजू, उस उधर ही आपको ये नहीं मिलेगी जब आप आओगे यहाँ पर। चलता हूँ बिरयानी वाले के पास। वो बिरयानी क्या है बिरयानी का आप क्या हिसाब देते हैं? प्लेट कितने की? ये बिरयानी की प्लेट 100-150, चिकन मेरा 150 की और 150 रुपये की। तो इनकी बिरयानी चेक करते हैं, दिखाना भाई। ये देखिए बिरयानी जबरदस्त लजीज बिरयानी, स्टूडेंट बिरयानी के नाम से। तो ये कांजू चौक के, ये देखिए ये कांजू चौक है। हेलो गाइस, तो ये कांजू चौक था, देख आप देख रहे हो ये फ्रूट वाले हैं। तो ये इस तरफ जो है देखिए, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? ये गोश वाले, ये गोश वाले, और ये शॉप अभी बंद है। और ये जो है देखिए कांजू चौक करते सारी दुकानें जो देखिए, ये मोबाइल शॉप है, ये सब्जी की दुकान है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? सब्जी कैसे देते हो सर? उठला तेरा उठला। अच्छा वोट के लिए, ये क्या हिसाब है? ये क्या चीज़ है? ये कचालू। अच्छा कचालू अरबी है। अच्छा अच्छा अरबी है। आप देखो कि गाइस देखो कैसी ताज़ी सब्जियां हैं, देखिए ये गांव की सब्जी है। वोट के लिए गए हैं, वोट के लिए गए आपके और दुकान वाले। अच्छा अच्छा अस्सलाम वालेकुम। सही ये इनके पंचायत सारे वोट डालने गए, तो इसलिए ये देखिए ये भी गोश्त की दुकान है, ये दूध की शॉप है। देखिए ये दूध की शॉप है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? तो ये सारी देखिए, तो ये कान जी, तो ये मेडिकल स्टोर है। अब ये आज वोट का दिन है इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम, आप देख सकते हैं ये फ्रूट वाले हैं। आज देखिए वोट का दिन है, तो इस वजह से जो है ना शॉपें वगैरह बंद है। तो चलो ये मिठाइयों की शॉप तो खुली हुई है, इस तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या हिसाब है सर? ये गुलाब जामुन 500 रुपये किलो। अच्छा
ये देखिए ये गुलाब जामुन है, एक से एक मिठाई है यहाँ पे, ये डबल रोटी है, और ये जो है ना इसे ये नमक पारे, देखो कितने बड़े बड़े नमक पारे यहाँ के, देखिए ये आप देख सकते हैं। सलामुअलैकुम। तो गाइस ये थी स्वीट्स की दुकान, अभी हम चलते हैं, देखो इस तरफ भी गोश्त की दुकान है सर। तो ये बोर बिरयानी वाले जो है ना बैठे हुए, तो ये गोश्त की शॉप है यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये आज बोर्ड लगने तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। गाइस देखिए ये गांव का तो गाइस ये देखिए इस तरफ कितने भीड़ भाड़ है, और जो है ना ये आवाम जो है ना इकट्ठी हुई है वोट डालने के लिए, कांजू का जो है ना बाजार है। तो आज जो है ना पोलिंग स्टेशन इलेक्शन का दिन है वोटों का, तो इस वजह से जो है ना थोड़ी खामोशी ना। आपने बाजार देखा, गांव के इसी तरीके के बाजार होते हैं आप देखिए। तो अभी चलते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ से अभी मैं गाड़ी पे चढ़ूंगा तो फिर घर के लिए जा रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं गाड़ी से उतर गया, तो अभी मैं घर के लिए जा रहा हूँ। देखिए वो सामने ये हमारा घर है, देखिए। तो अभी मैं घर पे जा रहा हूँ, तो मुझे यहीं दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।